जैसा मैं इस वाली प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन किया, एक और क्वेश्चन कराता हूँ कि इसी प्रॉपर्टी को आप कैसे यूज करोगे। देखो 1 माइनस x टू द पावर n dx आ रहा है, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए या तो इसका एक्सपेंशन किया जाए जो कि बहुत बड़ा होगा, तो एक्सपेंशन करके और फिर x से मल्टीप्लाई कर देगा तो इंटीग्रेशन आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, वैल्यू भी नहीं निकलेगी क्यों, क्योंकि n हमें पता नहीं है कोई डेफिनेट नंबर स्क्वायर नहीं। अब फिर कैसे होगा इंटीग्रेशन, अब आप ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो, जो ये वाली प्रॉपर्टी है, तो यहाँ से 0 टू 1 यहाँ पे a इक्वल टू 1 हो गया, तो इसे जो x है उसको रिप्लेस करोगे a माइनस x, दैट इज 1 माइनस x, तो x के प्लेस पे आप 1 माइनस x लिखोगे, ऐसे ही 1 माइनस इस x के प्लेस पे 1 माइनस x लिखोगे वो 1 प्लस x हो जाएगा और मल्टीप्लाई ये भी x हो गया, 1 से 1 कैंसिल, तो जो पहले 1 माइनस x की पावर n था वो अब x की पावर n में कन्वर्ट हो गया, x की पावर n से इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 टू 1 x टू दी पावर n माइनस x टू दी पावर n प्लस 1 और दिस इज dx। अब आप इसको इंटीग्रेट करो, तो x टू दी पावर n को इंटीग्रेट करेंगे तो x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और ये x टू दी पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। Now, put the limit. तो पहले आप 1 put करोगे तो 1 upon यहाँ पे x के प्लेस का 1 रखोगे तो 1 upon n plus 1 बन जाएगा और ये 1 upon n plus 2 बन जाएगा, फिर minus, अब x के प्लेस पे 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 ही होगा। आगे आप इसका एलसीएम ले सकते हो, n plus 1, n plus 2 आपने सब ले लिया, यहाँ पे n plus 2 आ गया, minus n minus 1 आ गया, cancel गया, 2 minus 1, 1 upon n plus 1, n plus 2, इस तरह से आपने इसको apply कर दिया। और एक क्वेश्चन अगर इसके ऊपर हम करें, 0 से 2 pi, कैसे लगा इसमें, अब यही वाली जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है इसी प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ पर अप्लाई कर दें तो वो क्या होगा, 0 टू a, ये a हो गया, यहाँ a माइनस x लिखते हैं तो बन जाएगा dx अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर 2 पाई माइनस x, a माइनस x करेंगे, a तो 2 पाई है तो 2 पाई माइनस x हो गया, साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ये ई टू दी पावर माइनस साइन एक्स आ गया, इसको 1 अपॉन ई टू दी पावर साइन एक्स बना दो, पॉजिटिव कर दो ना 1 अपॉन लिख करके और एलसीएम ले लो तो क्या बन जाएगा, जब 1 अपॉन करके एलसीएम लेंगे तो वो तो ऊपर चला जाएगा ई टू दी पावर साइन एक्स, तो यहाँ पर ई टू दी पावर साइन एक्स और प्लस 1, तो ये i है और ये भी i, दोनों को ऐड कर दें तो i और i 2i, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम क्या है, एलसीएम e टू दी पावर sin x प्लस 1 हो जाएगा, तो ऊपर 1 प्लस e टू दी पावर sin x ही आएगा और ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा dx, इंटीग्रेशन क्या हुआ, x लिमिट क्या लगेगी 0 से 2 pi, 2 pi तो 2i इक्वल टू 2 pi, x इक्वल टू कितने का आंसर आ गया, इस तरह से इस प्रॉपर्टी को लगाया जाता है। अब अगली प्रॉपर्टी देखेंगे इसके बाद, देखो जैसे 0 टू 2a fx dx है, इसको लिख सकते हो आप ट्वाइस
इसके दो रिजल्ट आएंगे, अगर 0 टू 2a है तो या तो होगा ट्वाइस 0 टू a fx dx या होगा 0। अब ये कब होगा, ये वाला रिजल्ट कब आएगा, जब आप इसमें f 2a minus x करोगे और वो fx ठीक करोगे, और ये रिजल्ट कब होगा, जब आप f 2a minus x करोगे वो minus fx ठीक करोगे। 0 से 2a fx dx के दो रिजल्ट होंगे, या तो 2i सब 0 2a fx dx या 0। 0 कब होगा, जब हम फंक्शन में 2a minus x करने पर जो यहाँ पे 2a होगा वो अगर minus fx हो रहा होगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर वाइस कब होगा, जब 2a minus x equal to fx होगा। प्रूव करेंगे इसको। देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो इसका लिमिट यहाँ से 0 से 2a है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कहीं पर, जो a पॉइंट होगा वो 0 से 2a के बीच में आएगा, तो आप इसे 0 से 2a को लिख सकते हो 0 टू a प्लस a टू 2a। जीरो टू ए और ए टू टू ए एफ एक्स डी एक्स ऐसे ब्रेक कर सकते हो। जीरो से ए ए ए के बीच नहीं होगा, समझे, कंटिन्यूअस फंक्शन है। इस वाले में इसको तो आप ऐसे रखो जीरो टू ए, और इसमें इस वाले में एक्स के प्लेस पर टू ए माइनस टी टू करो, x के प्लेस पर 2a minus 2, तो यहाँ पर कर दिया हमने f 2a minus t, तो dx भी चेंज हो जाएगा, तो dx इक्वल किसके आएगा, माइनस का dt, तो इस dx की जगह लिख दो माइनस का dt, तो ये माइनस यहाँ आ गया, लिमिट भी चेंज हो जाएगी। जब x की वैल्यू a होगी तो यहाँ पर a x इक्वल टू a, तो t इक्वल कितना आएगा, a, यहाँ t की वैल्यू a आएगी। जब x की वैल्यू 2a, यहाँ पर पुट करोगे x की वैल्यू 2a, तो 2a से 2a कैंसिल, t की वैल्यू आएगी 0, ये होगा 0। अब ये माइनस आ रहा है, इसके लिमिट को चेंज करो, ये आ गया 0 टू a fx dx, ये चेंज हो गया 0 टू a f 2a minus 2। अब आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है वेरिएबल को चेंज करने वाली, तो आप लिख सकते हो उसको जीरो टू a, यहां t आ रहा है तो आप इसे 2a minus x भी लिख सकते हो और b। तो देखो ये भी अपने आप में एक प्रॉपर्टी है, इसको भी याद रखोगे कि अगर 0 से 2a हो, 0 से 2a हो तो आप इसको 0 टू a fx dx, 0 टू a f 2a minus x dx ये भी लिख सकते हो आप, या फिर 0 टू a fx f 2a minus x, इसका भी हमको यूज करेंगे। ये यहां पर भी यूज होती है एक प्रॉपर्टी। समझ आ गई बात, ये वाली ये अलग हो गया कि 0 टू 2a होगा तो हम उसे 0 टू a fx और प्लस f 2a minus x भी लिख सकते हैं। अब हमें तो ये वाली प्रूव करनी थी, तो हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। ये लिखा था हमने, तो यहां पर हम लिखेंगे इफ एफ टू ए माइनस एक्स, अगर ये एफ एक्स हो, क्या यहीं से कंटिन्यू कर लो, इसकी भी जरूरत नहीं है, एफ टू ए माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स का अगर इक्वल हो, यहां पर आप एफ एक्स डालोगे तो कितना बन जाएगा ये भाई,
जीरो से टू में कितना बन जाएगा एफ एक्स और एफ एक्स कितना बन गया ट्वाइस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। पहला वाला पार्ट टू हो जाएगा कब हो जाएगा यहां जब एफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स इक्वल और जब हम एफ टू ए माइनस एक्स को इफ एफ टू ए माइनस एक्स इसको अगर हम माइनस एफ एक्स लिख लेंगे एफ टू ए माइनस एक्स है इसको हम माइनस एफ एक्स लिखेंगे तो माइनस एफ एक्स यहां पर पुट कर देंगे जब यहां पर पुट कर देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा एफ टू ए माइनस एक्स माइनस एफ एक्स ये माइनस एफ एक्स ये भी माइनस एफ एक्स दोनों क्या हो गए बात समझ आ गई। अगर हमारा जीरो से टू ए था तो ए कहीं हमने इसके बीच में कोई नंबर रहा होगा जीरो से ए फिर ए से टू ए फिर हमने यहां इसमें एक्स के वैल्यू टू ए माइनस थ्री पुट कर दी ये माइनस आ रहा है कि दोनों लिमिट चेंज हो जाएंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये हो गया फिर इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा टू ए माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे अगर एफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो ये कंडीशन है तो एफ एक्स ये और एफ एक्स ये ट्वाइस एफ एक्स बन जाएंगे और अगर एफ टू ए माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो माइनस एफ एक्स होगा तो ये दोनों कैंसिल अब जीरो आ जाएगा और जीरो टू ए अगर हम इसको इकट्ठा लेते हैं कंबाइन करके ये प्रॉपर्टी भी बनती है बीच में एक ये भी प्रॉपर्टी बनती है। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देखें इस पे अगर हम क्वेश्चन करें डायरेक्ट उससे पहले मैं एक और प्रॉपर्टी बताऊंगा तो अब इस पे क्वेश्चन करेंगे हम प्रॉपर्टी है कि अगर माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स है तो ये ट्वाइस लिखेंगे इसको जीरो टू और ये कब होगा जब एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होगा दैट इज मतलब होगा इसका जब ये इवन फंक्शन होगा और इसकी वैल्यू जीरो होगी व्हेन दिस इज ओड फंक्शन प्रूव करेंगे। यह है माइनस देखो माइनस ए टू ए के बीच में जीरो समवेयर लाइज तो इसको हम ब्रेक कर देंगे माइनस ए टू जीरो एंड प्लस जीरो टू ऐसे माइनस ए टू जीरो जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब देखो ये माइनस ए टू जीरो है तो इसमें मैं आप इस वाले इंटीग्रेशन में इसको तो मैं ऐसे रखूंगा और इस इंटीग्रेशन में मैं एक्स की जगह माइनस की पुट कर रहा हूँ इसमें x के प्लेस पे मैंने माइनस b पुट कर दिया तो dx इक्वल माइनस b लिमिट भी चेंज हो जाएगी तो ये f माइनस b हो गया dx की जगह माइनस b t ये आ गया। अब ये कैसे ये चेंज हो गया जब x इक्वल टू माइनस a है यानी यहाँ x की वैल्यू माइनस a को जीरो जब x की वैल्यू जीरो होगी यहां पर पुट करेंगे जीरो तो t की वैल्यू आ जाएगी जीरो अब ये जो लिमिट है जीरो ये k आई जब हम x की वैल्यू माइनस a रखेंगे तो t की वैल्यू आएगी a क्या आएगी लेकिन ये नेगेटिव आ रहा है तो इसकी जो लिमिट है वो चेंज कर दो
तो चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये जीरो टू ए एफ माइनस सी डी टी जीरो टू ए यहाँ पे वेरिएबल टी आ रहा है, वेरिएबल को चेंज कर दो बाय प्रॉपर्टी, तो यू कैन राइट जीरो टू ए एफ माइनस एक्स देखो इसी को आप ये भी लिख सकते हो तो एक प्रॉपर्टी आपके पास ये भी बनी है बीच में कि अगर माइनस ए टू ए होगा तो यू कैन राइट इट जीरो टू ए एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स और डी एक्स ये लिख सकते हो आप जैसे पीछे लगा लेना बनी। अब हमें तो लाना है प्रॉपर्टी के प्रूफ करना, तो आगे चलते हैं, यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं इसको ये बात। तो इसमें जब कंटिन्यू करेंगे इसमें यहां से कंडीशन कि व्हेन एफ माइनस एक्स डी एक्स अगर ये एफ एक्स के इक्वल होगा एफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल होगा यहां बन जाएगा जीरो टू ए एफ एक्स और जीरो टू ए इवन फंक्शन होगा तो ये बन जाएगा ट्वाइस जीरो टू ए अगर ये इवन फंक्शन होगा यानी कि एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होगा तो ये जीरो टू ए एफ एक्स हो जीरो टू ए एफ एक्स का ट्वाइस जीरो टू ए एफ एक्स बन जाएगा। अब अगर ये एफ माइनस एक्स एफ माइनस एक्स ये माइनस एफ एक्स होगा देन तब क्या हो जाएगा अगर ये एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स होगा तो ये और ये कैंसिल होकर तब कितना आ जाएगा तब इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। कि अगर ओल्ड फंक्शन हुआ ये हो जाएगा जीरो। अगर रिजल्ट हमारा तो इससे आपको तीन रिजल्ट मिले एक ये मिल गया एक तो हमें ये मिल गया जो हमें प्रूफ करना था एक हमको ये मिल गया और एक बीच में हमको एक रिजल्ट ये भी मिल गया इसको भी याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है सारे क्वेश्चंस में इसी तरह से हम अप्लाई करते हैं इसको। अब क्वेश्चन देखेंगे इसको इसको इंटीग्रेट करना है तो इसमें अगर वैसे इसको इंटीग्रेट कर लिया जाए सिंपल तरीके से करेंगे तो वो तो बहुत मुश्किल पड़ेगा और अगर इसमें प्रॉपर्टी लगा दें कौन सी अगर ये वाली प्रॉपर्टी लगा दें हम कि 0 टू a f(x) dx इक्वल टू 0 टू a f a माइनस जो आज हमने प्रूफ किया तो ये प्रॉपर्टी जरा अप्लाई करो तो सही यहां पर a पाई बाय 2 हुआ तो x इज नाउ रिप्लेस्ड बाय पाई बाय 2 माइनस x अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी x इज रिप्लेस्ड बाय पाई बाय 2 माइनस x तो देन दिस विल बिकम 10 पाई बाय 2 माइनस x तो प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर 10 pi by 2 minus x becomes 4 x. This is i, this is also i. Add to the 2.
तो ट्वाइस आई इक्वल टू लिमिट सेम है दोनों का log tan x और प्लस log cot x. ये log tan x है log cot x. log m प्लस log m इसमें अप्लाई करो log m प्लस log m क्या होगा log m इनटू 1 log ये tan x मल्टीप्लाई cot x. tan x cot x 1 हो गया. अब log 1 कितना हो गया 0. log 1 0 तो 0 dx इंटीग्रेशन क्या है 0. तो i क्या है 0. i 0 है. जीरो टू पाई बाई टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. करें इसको. ये भी इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दो. अगर जो हमने लिख दिया तो एक्स रिप्लेस हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स से. जीरो टू पाई बाई टू अप्लाई करना. ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स. ये cos pi by 2 minus x बन जाएगा sin x. ये cos x. ये दोनों को ऐड करो. तो जब ऐड करेंगे तो तुम देखो क्या आएगा. ऐड करने पर एलसीएम तो सेम होगा. 1 plus cos x sin x दोनों का एलसीएम तो सेम होगा. तो cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा. sin x से sin x 0 हो जाएगा. यानी कि 0 आएगा. i भी क्या आ गया 0. इसमें भी यही प्रॉपर्टी लगा दो. देखो इसको एक्चुअली हम लिख सकते हैं 1 माइनस x अपॉन x. ये लिख सकते हैं एक्स में. तो इसमें प्रॉपर्टी है ना 1 माइनस x को हम रिप्लेस करेंगे 1 माइनस x से. तो x के प्लेस पर हमने लिखा 1 माइनस x. यहाँ पे भी लिखा 1 माइनस x वो 1 प्लस x हो जाएगा. ये करते हैं. अब देखो log x upon 1 minus x है. अगर मैं इसको उल्टा करूं 1 minus x upon x तो ये पावर माइनस 1 हो जाएगा. x upon 1 minus x है इसे हमने उल्टा कर दिया 1 minus x upon x. log ये पावर माइनस 1 हो जाएगी और log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग माइनस आ गया जाएगा. ये किसकी वैल्यू आ गई. ये भी तो आई आ गया. ये वाला आई आ गया. तो इसको मैंने अगर लिख दिया आई और ये भी था आई तो 2i इक्वल टू 0. आई की वैल्यू क्या होगी 0. या आप इसे और इसे ऐड कर दो तब भी 0 आ जाएगा. या तो ऐड कर दो तब भी 2i 0 आ जाएगा. या आप इसकी वैल्यू रख दे दो ऐसे तब भी आई 0 आ जाएगा. अब जो मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका रिजल्ट डायरेक्ट भी याद रखना है आपको. उसको याद नहीं रखना है. क्वेश्चन है 0 टू पाई बाई टू log sin x.
ये इक्वल होता है माइनस पाई बाई टू लॉग, इसको आपको याद रखना है, और ये इक्वल होता है जीरो टू पाई बाई टू मतलब इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू ही माइनस पाई बाई टू लॉग टू आती है, तीनों इसका इसका दोनों का वैल्यू सेम होता है, बराबर होता है। अब हम प्रूव करेंगे, इसको मैंने आई लिया, और जो a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी है जो अभी तक मैं क्वेश्चन में कर रहे थे आप लोग यहां पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। तो x इज रिप्लेस्ड बाय पाई बाय टू माइनस x, x के बेस पे पाई बाय टू माइनस x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log cos x, ये i आएगा, इसे और इसे दोनों को मैंने ऐड कर दिया, दोनों को ऐड, तो इधर आ गया 2i 0 टू पाई बाई टू लॉग एम लॉग एम प्लस लॉग एम, लॉग की प्रॉपर्टी लगा करके इसको ले दिया लॉग साइन एक्स कॉस एक्स, वो से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया, और ये बन गया इतना बन गया बेटा साइन टू एक्स बाई टू, और साइन टू एक्स बाई टू को लॉग एम बाई एम भी लगा दिया, तो 0 टू पाई बाई टू लॉग साइन टू एक्स और माइनस लॉग, और दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दिया, ये नीचे 2 है तो माइनस लॉग 2 हो गया, दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग कर, दोनों को अलग अलग, इस वाले में 2x को t, तो dx कितना आ गया, dt by t log sin t और dt by t, लिमिट भी चेंज हो जाएगी, जब x की वैल्यू 0 यहां रखेंगे तो t 0 आएगा, और जब x की वैल्यू पाई बाई टू रखेंगे, x की वैल्यू पाई बाई टू रखेंगे तो t की वैल्यू पाई आ जाएगी, माइनस पाई बाई टू माइनस लॉग टू, और ये x हो जाएगा अब देखो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी, जीरो से टू ए वाली प्रॉपर्टी कराई थी, जीरो से टू ए क्या थी, वो जीरो से टू ए वाली प्रॉपर्टी क्या थी, ये एफ एक्स हो गया, तो इसमें हम अगर ये टू ए है इसको मैं लिखू, अगर ये जो सपोज करो एफ टी इज इक्वल टू लॉग साइन ऐसे है, तो वो थी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर f 2a माइनस x f x के इक्वल हो, यानी कि t को रिप्लेस कर दो, ये 2a ले रहा हूं मैं, तो f पाई माइनस t कर दो, ये हो जाएगा log sin पाई माइनस t, ये कितना हो गया log sin t, यानी किसके इक्वल आ गया f t के, तो वो प्रॉपर्टी है कि भी f 2a माइनस x इक्वल टू अगर f x आ रहा हो तो ये 0 से 2a जो होता है वो ट्वाइस हो जाएगा, क्या हो जाएगी प्रॉपर्टी,
वन बाई टू यहाँ ट्वाइस हो जाएगा, ये जीरो टू ए हो जाएगा यानी फाइव बाई टू हो जाएगा और ये लॉग साइन बी। और माइनस लॉग टी और ये लिमिट लगा दो पाई बाई टू, दो से दो कैंसिल। इसका लिमिट भी ये जो कोई इधर लिमिट की आ रहा है इसको चेंज कर दो, एक्स ले लो जीरो टू पाई बाई टू ये किसकी वैल्यू चल रही थी टू आई थी और आप देख लो ये भी आई आ गया तो आई ये हो गया टू आई ये हो गया तो कितना हो जाता है आई इज इक्वल टू ये तो टू करना हम क्या क्या काम किया इसको एक बार फिर देख लो जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डीएक्स का प्रॉपर्टी लगाई कौन सी जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स ये ए ए माइनस एक्स यानी पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस एक्स दोनों को प्लस कर दिया लॉग एम प्लस लॉग एम एम इंटू एन आ गया दो से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई साइन टू एक्स बाई टू लॉग की प्रॉपर्टी साइन टू एक्स माइनस लॉग टू कोई दिक्कत नहीं है आपको दोनों को अलग कर दोनों को अलग करने के बाद भी 2x को t वैल्यू डालनी है 2x को t तो dx हो गया dt की वैल्यू ये लिमिट भी चेंज हो जाएगी जीरो से पाई हो जाएगी। अब इसके बाद यहां फिर प्रॉपर्टी लगी कौन सी वाली जीरो से 2a वाली। अब जीरो से 2a वाली प्रॉपर्टी क्या होती है अगर इसको मैं 2a ले रहा हूं 2a तो प्रॉपर्टी होती है f 2a माइनस t क्योंकि f t ये हो गया फंक्शन हो गया 2a ये 2a 2a माइनस t फाइंड करा रहे तो 2a माइनस t कितना हो गया t की जगह 2a माइनस t log sin pi माइनस t log sin t यानी f t के इक्वल आ गया। तो अगर f 2a माइनस x f x के इक्वल आ जाएगा तो ये जो 0 से 2a था ये 0 से a हो जाएगा आधी हो जाएगी और यहाँ ट्वाइस हो जाएगा तो ये 0 से पाई था 1 by 2 ये ट्वाइस हो गया और ये 0 से पाई by 2 हो गया जो लास्ट में प्रॉपर्टी कराई 0 से पाई by 2 सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी 0 से पाई by 2 log sin और इसके बाद ये sin t था ना इसको x में चेंज कर दिया 0 से पाई by 2 log sin dx और ये पाई by 2 log तो ये कहां से इसको तो आई किया था ये आई किया था ये भी आई हो गया आई इधर माइनस हो गया तो आई इज इक्वल टू ये बचा माइनस पाई बाय टू लॉग टू।